नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। दरभंगा में जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने शीशो के बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों का हालचाल जाना, वहीं उनकी समस्याओं के बारे में भी सुना। इसी के साथ उन्होंने लोगों के बीच पैसे बांटे और मदद का भरोसा जताया। दरभंगा के शीशो पश्चिमी पंचायत बाढ़ प्रभावित से मिलने और उनका हालचाल जानने के लिए जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन, जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान, युवा जिला अध्यक्ष चुनचुन यादव और दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर अपनी जान की परवाह किए बगैर बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुँच गए। इस बीच उन्होंने लोगों से उनकी समस्याओं को सुनने के साथ बाढ़ से प्रभावित लोगों की आर्थिक मदद की। इसी क्रम में ट्रैक्टर पर सवार होकर पुर मब्बी बेलोना रसलपुर नजीरगंज होते हुए जब शीशो पश्चिमी पहुंचे तो वहां पर भूतपूर्व मुखिया रामकर्ण यादव के द्वारा मिथिलांचल के परंपरा अनुसार पाग और चादर से ट्रैक्टर पर बैठे बैठे ही स्वागत किया गया। उनका कहना था कि कम से कम आपने हम लोगों की आकर सुध तो लिया, वरना कोई नेता किसी पार्टी का कभी हम लोगों को पूछने तक नहीं आया। इसी क्रम में कुम्हार टोली होते हुए चैनपुर तक पहुंचे, जहां सैकड़ों जरूरतमंद के बीच पैसा बांटे और बाढ़ पीड़ितों से मिलने जुलने के बाद छात्र जिलाध्यक्ष तौफिक खान के आवास पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक दिन का विधानसभा सत्र बुलाकर भाजपा को डराने के लिए या जनता को धोखा देने के लिए उसका फायदा किया। ब्यूरो रिपोर्ट एचबीएन न्यूज। लोगों ने इन्हें डेंगी में बैठा के डुबाना चाहिए, इन पॉलिटिशियन को इन्हें नदी के भीतर पन्नी में। अरे नीतीश कुमार तुम क्या जानो, बांध जाने पर सोती का हाल। जसवंत सिन्हा जी अच्छे आदमी हैं, उसके साथ सब सरे फटे, जो 15-30 सालों में जो जो लोग थे, जितने सरे गले लोग हैं उनके साथ चल रहे। तो जब वो उंगली डालना चाहते हैं तो सारे गले लोगों को बगल में क्यों बैठाए, सारे लुटेरे तो अगल बगल में बैठे हुए। जसवंत सिन्हा जी का मैं इज्जत करता हूं, हर लोग एसी रूम में बैठ के राजनीति करते हैं। कौन लोग जनता के बीच जाके राजनीति करने के लिए तैयार है? या तो हवाई, या तो ब्लैकमेलिंग, या तो इमोशनल ब्लैकमेलर, या तो 5 किलो चावल ले लो, 1 किलो चना ले लो। औकात मेरी नरेंद्र मोदी 5 किलो की बना दी है ना, मेरी औकात 5 किलो की नहीं है, बहुत है। और 5 किलो इन पॉलिटिशियन को ताजीवन हम देंगे। बाढ़ के मामले में सर एक जवाब देंगे आप एक लोकप्रिय आज के नेता मतलब इस मामले में 23 दिन का आपका दौरा है लगभग, और 5 बार आप दरभंगा आ चुके हैं। यहाँ के नगर विधायक का कोई रोल है या जनता आपको जो भाग कर देख रही थी, उसकी वजह यही थी कि आप पर लोगों की उम्मीद हुई, लोगों ने यही देखा कि हताश लोग नजर आए, आपकी तरफ लोग भाग रहे थे कि किसी तरीके से कोई मदद हमको मिल जाए। आपका इस पर क्या राय है? और 23 दिन आपने जो काम किया है वो लोगों ने देखा है, वो आपकी लोकप्रियता है? भैया मेरी कोई लोकप्रियता नहीं, आप मौत का मुँह में जाइएगा। जब सबको पॉजिटिव होने का डर है तो पप्पू यादव क्या हम लोहा के कोख से पैदा लिए हैं? क्या हम भी माँ के ही कोख से पैदा लिए? जब सब प्राइम मिनिस्टर और सब लोग एसी में बैठ के पॉजिटिव हो रहा है और हम 4-4.5 महीना पप्पू यादव निगेटिव क्यों है? हम तो 40 लाख लोगों से मिल चुके हैं अभी तक। मौत से खिलवाड़ करना राजनीति तो हो नहीं सकती है। हमने दर्द और पीड़ा को समझा है, इसलिए पान न पान की डंटी लेकर हर जगह पहुंच रहे हैं। जितनी मदद हो सकती हो, मेरी औकात जितनी है, उतनी मदद करने का मैंने प्रयास किया और करूंगा। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले
पाँच महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, स्वभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126। संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।